दिखाए जाऊं, उफना कर लवो को सिए, ये आशिकी कोई दिल लगी नहीं। कहते हैं उसकी नजर मिली तो क्या, इसकी नजर हटी तो क्या, इसकी नजर मिली तो क्या, उसकी नजर हटी तो क्या, जिस बंदगी में होश हो वो बंदगी बंदगी तो नहीं। और कहते हैं अपने बुजुर्ग भाइयों से भी कहना चाहूंगी, कहते हैं एक हरियाणवी लैंग्वेज में एक बात कही गई है, ए रस के कवर दिल का लगाना नहीं अच्छा, ए रस के कवर दिल का लगाना नहीं अच्छा, और गैरों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा। ए रस के कवर दिल का लगाना नहीं अच्छा और गैरों को अपने पास बिठाना नहीं अच्छा, बुनियाद की हस्ती को मिटाना नहीं अच्छा, और हो जाओगे बदनाम भक्तों जमाना नहीं अच्छा। कहते हैं दोस्ती का हाथ बढ़ाकर दोस्त धोखा करे तो मुसाफा नहीं अच्छा, भली कोख से बेटा ना हो सपूत तो माँ का जापा नहीं अच्छा, अगर बू ना ढह जाए घमंड की तो बुढ़ापा नहीं अच्छा, और जमाने को बुरा मत कहो भक्तों जब तक अपना आपा नहीं अच्छा। देखिए भक्तों आपके सामने एक भजन प्रस्तुत करने जा रही हूँ। देखिए एक बार की बात है, कहते हैं लेकिन भक्तों कहते हैं कि कलयुग के समान कोई युग ना आया है और ना कभी आएगा। यह पुराणों का भजन है, कोई कैसेट का भजन नहीं है, राजू तूफानी ने इसे लिखा है, निर्माण करा है इसका। और कहते हैं उन्होंने कहा, कलयुग नहीं सब आन युग जो नर करे विश्वास, कलयुग नहीं सब आन युग जो नर करे विश्वास, और भजिए राम गण कुल विमल भव तरही स्नेहि प्रिया। कहते हैं भक्तों तुलसी ऐसे नरक से धोख्यो निष्कत राम, कि अगर तुलसीदास जी कहते हैं कि अगर ऐसे नरक में धोखे से भी नाम निकल जाए, अगर कलयुग में धोखे से भी नाम निकल जाए तो उस भव से बेड़ा पार हो जाता है, मनुष्य भव सागर से पार हो जाता है। तो देखिए बात उस समय की है, एक बार तीनों युग सतयुग त्रेता द्वापर युग कलयुग के राज दरबार में पहुंच जाते हैं। जब दरबार में पहुंच गए सतयुग त्रेता द्वापर युग, दरबारी से कहा, दरबारी ने कहा भाई तुम कौन हो, तो तीनों युगों ने बताया कि मैं सतयुग, एक ने बताया मैं त्रेता, एक ने बताया मैं द्वापर युग हूं। दरबारी ने जाकर कहा कि महाराज तीन युग आए और अपना नाम बताते हैं, एक बताता है सतयुग बताता है, एक त्रेता बताता है, एक द्वापर बताता है। कलयुग ने कहा दरबारी उन्हें आदर सहित सम्मान के साथ अंदर लाओ, वो मेरे बड़े भाई हैं, उन्होंने पहले मुझसे राज किया है, ज्यादा एक्सपीरियंस उन्हें है। और कलयुग ने कहा, जब कितना कहा तो दरबारी उन्हें अंदर ले आया, और आकर कलयुग ने कहा भाई कैसे आना हुआ, तो उन तीनों युगों ने कहा कैसे भी नहीं, लेकिन सामने वाले की आंख बता देती है कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। कलयुग ने कहा देखो भाइयों, अब तक तो तुमने राज किया, अब मेरा राज चल रहा है, अब मेरा राज देखिए। और इतना सुंदर भजन है, वाकई में आप ध्यान से सुनेंगे आशा करती हूँ। और देखिए कलयुग कहने लगा कि भाइयों आज तक तुम्हारा राज चला है, अब मेरा राज चलेगा, और देखो अब तुमने अपने राज्य में क्या क्या किया और मैं अपने राज्य में क्या कर रहा हूँ। और कलयुग किस प्रकार से कहने लगा, कलयुग कहने लगा, कलयुग युगों से बोला ये तुम हो बेकार के। कलयुग ने कहा भाई सतयुग त्रेता द्वापर तुम तो बिल्कुल बेकार हो, सतयुग तेरे राज में इतने बुरे बुरे काम हुए, एक हरिश्चंद्र राजा सत्यवादी राजा को एक शूद्र के घर पानी भरना पड़ गया, त्रेता तूने इतने बुरे काम करे कि एक भाई ने एक भाई की पत्नी को छीन लिया, राज छीन लिया, यहाँ तक की पत्नी को छीन लिया, और तुम चुप रहे। और द्वापर तुम्हारे राज में इतने बुरे बुरे काम हुए, अब मेरा राज देखो, अपने राज के बारे में पहले अपनी सुनो फिर मैं अपनी बताता हूँ। और कहने लगा कलयुग, देखिए बड़ा सुंदर भजन है, सुनेगा,
कलयुग युगों से बोला। कलयुग क्या कहने लगा युगों से? कलयुग युगों से बोला और तुम हो बेकार के। कलयुग युगों से बोला तुम हो बेकार के और तुम्हारे राज में क्या हुआ? कलयुग ने कहा क्या? धर्म और कर्म न होवे शरम बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शरम बेशुमार के। कलयुग युगों से बोला, कलयुग युगों से बोला तुम हो बेकार के। धर्म और कर्म न होवे शरम बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शरम बेशुमार के। जय हो। कलयुग कहने लगा भाइयों सतयुग तू सुन, तेरे राज में कैसे राज चला? सतयुग कहने लगा, कलयुग कहने लगा सतयुग से, क्या कहने लगा? सतयुग बोला, सॉरी कहने लगा क्या? कलयुग ने कहा सतयुग में हरिश्चंद्र को देखो भरा शुद्र घर पानी। हो गई अमर कहानी कहानी के त्रेता तुम्हारे राज में एक भाई ने भाई की पत्नी छीन ली, राज छीन ली और तुम राज करते रहे। और कहने लगा कलयुग अब काहे बैठे हो तुम, अब काहे बैठे हो तुम नजर नीचे डाल के। और भजन में आना तो उठाइए दो हाथ और कहिए क्या? धर्म और कर्म न होवे शरम बेशुमार के। धर्म और कर्म न होवे शरम। क्या बात है, ये बात है सारू और मीठे मीठे। युधिष्ठिर,
उसने भी धर्म छोड़ दिया, कहने लगा कलयुग क्या, धर्म ने धर्म छोड़ा, धर्म ने धर्म छोड़ा, तेरी बछार में धर्म और कर्म ना होवे, शर्म बेशुमार के, धर्म और कर्म ना होवे, शर्म
ये सोच रहा है, देखिए यही भावना है आजकल, भाई सोच रहा है भाई का हिस्सा मेरे लिए आ जाए, भाई मर जाए और मैं धनवान हो जाऊं। पर भक्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऊपर वाला सब देखता है। वो सोच रहा है लड्डू बनवाऊं, जहर मिलवाऊं, खाएगा मर जाएगा, मृग मेरा हो जाएगा। अब लड्डू में जहर मिलाता है, उधर बैठा देख रहा है आ रहा होगा, जैसे ही आएगा एक एनर्ज निकाल दूंगा, मर जाएगा, मृग मेरा हो जाएगा। दोनों सोच रहे हैं इस बात को। अब हुआ क्या, अब पहला वाला लड्डू लेकर आ रहा है, उधर बैठा देख रहा है आ जाएगा, मार दूंगा, मृग मेरा हो जाएगा। अब हुआ क्या, जहर मिला लड्डुओं में लाया, ना कुछ देर लगाई, सुन लो मेरे भाई, कहने लगा क्या, खाएगा मर जाएगा, मृग मेरा हो जाएगा, मैं धनवान बन जाऊंगा। कहने लगा क्या, भजन में आनंद उठाइए, दोनों हाथ रखाइए, क्या धर्म और कर्म ना होवे शर्म।